अच्छा मैं आपको बहुत आसान टिप बता रही हूँ, मतलब कि ए सिंगल रेमेडी है इसमें। अच्छा। और कुछ नहीं है, आपने लेना है पपीता, पपीते के टुकड़े करके उसको सुखा लेना है, ठीक है, इस तरह करके ना छोटे छोटे टुकड़े करके इसको आप सुखा लें। कितने पे दू हो गए। हाँ, और सूख के फिर ये हो जाता है। अच्छा। ठीक है, ये सूखा हुआ पाउडर ऐसे हो जाता है। सुखा के उसके बाद पीस लिया आपने। जी, सुखा के पीस लिया इसको, ना इसका ना छिलका उतारा ना इसके बीज उतारे। हाँ, लेकिन देखिए अगर फंगस वगैरह लगा हुआ है तो उसको आप उतार लें। अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, सुखाएं कहाँ, ठंडी जगह पे सुखाएं या लकड़ी पे? मैं लकड़ी मलमल का कपड़ा डाल के ऐसे जहाँ डायरेक्ट धूप नहीं आ रही हो। अच्छा। और पूरा दिन आप ऊपर, ये इतना अच्छा पाउडर है, इसके मैं फायदे आपको बताऊंगी। नहीं, जैसे आप किचन है, किचन का स्लैब है, वहाँ खिड़की से धूप आ रही है, वहाँ सुखा, बिल्कुल सुखा दे, जरूरी छत पे? नहीं नहीं नहीं, मलमल का कपड़ा आपने सिर्फ 3 घंटे इसको धूप में रखना है ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए, उसके बाद लाके आप साए में इस तरह जैसे जहाँ से धूप इनडायरेक्ट आ रही है वहाँ आप रखेंगे, 7 दिन में इंशाल्लाह सूख जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे सूख के इस तरह हो जाएगा। उसके बाद आपने इसका पाउडर बना लेना है। अब जॉन्डिस में आप ये शहद में मिला के दें या स्प्लीन, तिल्ली बढ़ जाती है ना, तिल्ली का भी दोनों का, लीवर का और स्प्लीन का दोनों का होता है कि अगर ये लीवर खराब हो जाए तो स्प्लीन पे आ जाता है क्योंकि वो भी रेड पिगमेंट देता है। तो आपने करना सिर्फ ये है, और ये बिल्कुल आजमाया हुआ नुस्खा है जिनको, और जिनको बार बार जॉन्डिस हो जाता है, हर साल जॉन्डिस हो जाता है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि, और बाज़ लोगों की आंखें पीली रहती हैं, जितना भी इलाज करा लें उनकी आंखों की पिलाहट नहीं जाती। आप 2 महीने ये खाएं और देखिए कि आपकी आंखों की जो पिलाहट है वो चली जाएगी, आपकी आंखें रेड हो जाएंगी। सिर्फ आपने फुल पपीता लेना। अच्छा, पपीता काट के देखिएगा, वो हाइब्रिड का ना हो, उसमें बीज होने चाहिए, जो हमारे देसी पपीते हैं वही आपने लेना है। पाउडर बना लिया, इधर सिर्फ इतना, सिर्फ इतना ये डोज है, सुबह दोपहर शाम लेना है और हर खानों के बाद लेना है। और 15 दिन बाद देखेंगे आपको एक एनर्जी मिलेगी, और जो यहाँ से चमक ऐसी चुक सी आती है और यहाँ पे लीवर पे बड़ा पेन हो रहा होता है वो सब खत्म हो जाएगा, आपका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा, ग्लो करेगा। और है क्या, खाली पपीता जो है उसको पूरा पपीता हुआ है। हाँ। और पाउडर उसका बना हुआ है पूरा पल्ले बनाने में। अच्छा, जैसे होता है ना जिनको जॉन्डिस हो चुका है ऑलरेडी, उससे निकलने में भी थोड़ा टाइम लगता है, आप ठीक हो जाते हैं मगर फिर भी आपको बहुत खाने की एहतियात करनी पड़ती है। बिल्कुल, वो भी खा सकते हैं। वो भी खा सकते हैं, ना सिर्फ जॉन्डिस, वाइट मतलब के हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, हर हेपेटाइटिस में इसको खा सकते हैं, मगर दवा सिर्फ हेपेटाइटिस ए और स्प्लीन की है। जिनको स्प्लीन के जो रेड पिगमेंट नहीं देके आंखें पीली रहती हैं, जिल्द पीली हो जाती है, उनके लिए समझ लें ये आबे हयात है। आप अपनी अद्वियात जो इस्तेमाल करना चाहते हैं करें, साथ में पूरा पपीता सुखा कर आप ये खाएं और आपको बहुत फर्क पड़ता है इंशाल्लाह, अल्लाह के ऊपर। ठीक है, जबरदस्त।